छतरपुर जिले के बिजावर विधायक राजेश शुक्ला ने स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां कोरोना की जांच के उपकरण न पाए जाने पर सीएमएचओ पथौरिया को दूरभाष पर निर्देश दिया कि स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना जांच की व्यवस्था जल्द हो, साथ ही सैनिटाइजर और मास्क भी उपलब्ध हो। विधायक अपने साथ एसडीएम डीपी द्विवेदी, तहसीलदार राकेश शुक्ला, सीएम विजय शंकर त्रिवेदी, थाना प्रभारी मनीष मिश्रा को भी ले गए थे। इसके बाद किशनगढ़, जैतपुर, देवरा ग्रामों का दौरा भी किया और सैनिटाइजर मास्क भी बांटे, साथ ही बाहर से आने वाले ग्रामीणों की जांच भी करवाई गई और खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पलायन करके आने वाले ग्रामीणों को जांच के बाद ही जाने दिया जाए। विधायक ने क्षेत्रवासियों से अनुरोध किया कि घर में रहें और सैनिटाइजर तथा मास्क का उपयोग करें, साथ ही प्रशासन से आग्रह किया कि वो किसानों के लिए रियायत बरते, हार्वेस्टर कटाई जैसी जिम्मेदारी से किसान को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसमें पूरा सहयोग करें। अपनी तरफ से सैनिटाइजर बंटवा रहे हैं घर घर, मास्क बंटवा रहे हैं, साबुन बंटवा रहे हैं, और हमारे जो बिजावर के व्यापारी संघ के लोग हैं उनके द्वारा हर गरीब आदमी को, जो भूखा न मर पाए, राशन पानी की पूरी व्यवस्था की जा रही है। और क्षेत्र में पूरे हम नज़र रखे हुए हैं कि कोई आदमी को दिक्कत, चूंकि ये बड़ी आपदा है कोरोना, फसल का समय है, कटाई का सीजन है, आज डबल मार किसान पर पड़ रही है कि घर से नहीं निकलता है तो फसल चौपट होती है। तो इस स्थिति में हम शासन प्रशासन के अधिकारियों से भी आग्रह कर रहे हैं कि किसान से संबंधित हार्वेस्टर हो या कटाई हो, उनमें थोड़ी सी रियायत किसानों को दी जाए, नहीं तो कोरोना से भी बढ़ के आफत किसानों के ऊपर आएगी। कल हमने खुद जाके देखा किशनगढ़, जैतपुर और देवरा में लोग बाहर से जो पलायन कर रहे हैं वो आ रहे हैं, और जांच के नाम पे थर्मामीटर भी नहीं है। तो ये कोरोना की जांच कैसे हो रही है, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कल ही सीएमएचओ से बात की कि एक दिन के अंदर कम से कम इतनी व्यवस्था करें आप कि जांच कैसे कर रहे हैं। आदमी से सिम्टम्स पूछ के जांच कोरोना की हो रही है, ये तो एक मजाक उड़ रहा है। तो मैं अपनी ओर से शासन प्रशासन से चाहूँगा कि इसमें गंभीरता पूर्वक सुनिश्चित करें कि जांच के आधार क्या है, और जो भी सामग्री जांच के लिए, इसी कारण विधायक ने दी है। लेकिन कल दुर्भाग्य देखा कि थर्मामीटर भी नहीं है अस्पतालों में, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य। क्योंकि जैतपुर से हमारे पास फोन आया कि 100 लोग बाहर से आ गए हैं, एक जगह एकत्रित हैं और यहाँ कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। तो मैं अधिकारियों के लेके गया, उसमें हमें सुनने में आया कि कुछ लोगों को आपत्ति हुई कि लॉकडाउन में विधायक जी घूम रहे हैं, तो हमारे ऊपर रोक भी लगाई गई है कि लॉकडाउन के अंदर ना जाए। तो हम जनता को भी संदेश देना चाहते हैं, चूंकि हमें कितना भी प्रयास करें कोई रोकने को, ठीक है मैं शासन के उन आदेशों का पालन करूंगा, लेकिन 24 घंटे फोन पे उपलब्ध हूँ जहाँ भी जिसको ज़रूरत हमारी पड़ेगी। चूंकि मैं जनता के बीच में रहना चाहता था लेकिन कुछ लोगों के कारण नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं जनता के लिए 24 घंटे अपने घर में और फोन पे उपलब्ध हूँ, जहाँ भी जो समस्या होगी वो पूरी की जाएगी।